इस वीडियो में दोबारा से आपको बताने वाला हूँ सिग्नेचर ग्लोबल द मिलेनिया 3 के बारे में। सो ये अभी इन्होंने बैनर वगैरह सब कुछ लगा दिया रारा नंबर के साथ। ये इनका प्रॉपर जो है मास्टर प्लान है। ये फ्रंट वाली रोड है, ये जो सेक्टर रोड आपको दिख रही है ये वाली रोड है। सेक्टर रोड से इन होते हैं तो सबसे पहला जो टावर आता है टावर 1 GS प्लस 16 का, ये 3 BHK का टावर है। इसके बाद जो है बैक साइड पे टोटल, इसमें फ्रंट साइड पे अगर बात करूँ तो 4 टावर लेफ्ट साइड पे, 4 टावर राइट साइड पे, पीछे की साइड 2 टावर है। 2 BHK की मैं बात करूँ, 3 BHK को भी काउंट नहीं कर रहा मैं। 8 टावर हैं फ्रंट फेस में और 2 टावर है बैक वाली में, जिन इन दोनों के बीच में जो सेक्टर रोड आने वाला है। प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ तो 9 acre की लैंड है, इसमें नियर अबाउट 1250 के आसपास का फ्लैट है। इसमें एग्जैक्ट मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नंबरिंग विद 3 BHK, और ये इसकी लैंड है, प्रॉपर मार्किंग हो चुकी है इसकी। यहाँ पे इन्होंने अभी सेल्स ऑफिस बनाया हुआ है, करंटली यहाँ पे इसका सेल्स ऑफिस है जो बनाया हुआ इन्होंने, और इधर रामप्रस्था सिटी है। ये बीच वाली सेक्टर रोड है जो कि अभी तक यहाँ तक ही बनेगी, इस लाइन तक सिग्नेचर ही बनाएगा ये तो। और रारा नंबर अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो ये इसका कुछ तरीके से ये बनाया हुआ है। रारा नंबर मैं आपको अभी इसमें दिखा देता हूँ, रारा नंबर 41 है। यहाँ पे इन्होंने गार्ड्स वगैरह सारे कुछ बिठा दिए, ये इनका रारा नंबर है, रारा नंबर 41। ये रहा इसका लैंड कंप्लीट, जो लैंड है ये 9 acres की लैंड है। फ्रंट में इसमें कमर्शियल है, एज इट इज हर सिग्नेचर के प्रोजेक्ट में जैसे होता है, फ्रंट में कमर्शियल बनाया हुआ है, बैक साइड पे सारी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। इसमें लास्ट डेट है बुकिंग की 12 दिसंबर की, जो इनका पेपर ऐड है वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा। और कुछ भी डिटेल्स और जाननी हो इस प्रोजेक्ट के लिए तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा मेरा, आप उस नंबर पे कॉल बैक कर लो, सारी डिटेल्स आपको मैं अपडेट कर दूंगा। और अगर बुकिंग करनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लो, तो आप डायरेक्ट सिग्नेचर टावर में आके मेरे से कॉन्टैक्ट करके बुकिंग कर सकते हो इसके अंदर। लैंड अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो पीछे आप जो ये मार्किंग देख रहे हो यहाँ तक लैंड है इसकी, और इस साइड आपको मैंने पहले ही बताया था ये जो ये इस साइड है ये यहाँ से इस लोकेशन तक ये आपका सिग्नेचर ग्लोबल ही रोड बनाएगा। आज की डेट में सिग्नेचर ग्लोबल ही इस पे रोड बनाएगा यहाँ तक, जैसा इन्होंने साइनरा 81 में किया हुआ है सेम एज इट इज़ इसमें भी होगा। रोड उस लोकेशन से यहाँ तक सिग्नेचर डेवलप करेगा, और पीछे की जो सेक्टर रोड है जो आपको अभी मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेक्टर रोड जो है पीछे का, वो भी सिग्नेचर डेवलप करके दोनों साइड पे वॉल्स दे देगा अगर गवर्नमेंट ने नहीं बनाया उसको। तो जैसे 81 सेक्टर में अगर कोई जाके देखेगा 81 साइनरा में, तो साइनरा में आप देख लेना सेंटर में सेक्टर रोड है बट गवर्नमेंट ने उसको नहीं बनाया तो बिल्डर बना के उसको और दोनों साइड से ब्लॉक कर दिया है, जैसे DLF के स्काईकोर्ट प्रोजेक्ट्स में है वो इस वैसे ही सिग्नेचर ग्लोबल के साइनरा में। और यहाँ पे आप देख सकते हो गार्ड्स वगैरह सारे बैठे हुए हैं। सो लोकेशन अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छा है, बार बार इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आते नहीं है इस लोकेलिटी में। सो इफ़ यू आर प्लानिंग एनी टू बाय एनी अफोर्डेबल हाउसिंग इन गुड़गांव, आप एक बार इसके बारे में सोच सकते हो। और निकलने के चांसेस अगर रियलिटी बताऊँ तो अभी 90% चांसेस है निकलने के, सिर्फ आपको लेआउट सोच समझ के डालना होगा, उससे आपकी फिर निकल के आ जाएगी। मतलब लेआउट अगर मैं बताऊँ अपनी साइड से तो आप लेआउट पहले टाइप ए डालो, अगर टाइप ए समझ नहीं आ तो टाइप बी डालो, टाइप 3 मत डालना बस आप। ये इसका कंप्लीट ओवरव्यू है। फ्रंट में ये कमर्शियल मार्केट है, ये लैंड है, जो फ्रंट में आपको ये सबसे ऊंची टावर दिख रही है ये है बेसिकली 3 BHK का अपार्टमेंट है, जिसमें एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट होते हैं। और बैक साइड पे ये जो आपको दिख रहे हैं फ्रंट इस वाली फेस में 8 टावर हैं 2 BHK के, और उस वाली फेस में 2 टावर हैं, तो 10 टावर 2 BHK के, एक टावर आपका 1 BHK का है। फ्रंट में इसकी कमर्शियल शॉप्स आ गई हैं, और बीच में जो ये सेक्टर रोड है इस वाली रोड की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है इस रोड की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब तक गवर्नमेंट नहीं बनाती सिग्नेचर ग्लोबल इसमें वॉल लगा सकता है, एक इस साइड पर एक इस साइड पर, जैसा इन्होंने साइनरा में किया हुआ है। आज की डेट में साइनरा में दोनों साइड पर वॉल्स लगी हुई हैं।
अगर आपको सोचना हो इसके बारे में, आप एक बार सोच लो। और बिल्डर, सबसे रिनॉन बिल्डर है सिग्नेचर ग्लोबल गुड़गांव के अंदर। लग्जरी के अंदर अभी इन्होंने अपना पांव रखा नहीं है, सेमी लग्जरी में DDJY में रखा हुआ है, जैसे सोना में इन्होंने अपने फ्लोर्स डेवलप किए हुए हैं। अगर कुछ भी डिटेल्स इसकी लेनी हो तो आप मुझे सेम नंबर पे व्हाट्सएप कर दो या कॉल बैक कर सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल्स इसकी फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। और बुकिंग करना हो तो सेम नंबर पे कॉल बैक कर लो, डायरेक्ट सिग्नेचर टावर आके आप बुकिंग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।